18, कितने अंश का कोण अपने संपूरक का दुगना होगा? तो यहां पे हम लिखेंगे माना कोण बराबर एक्स। तो यहां पे हम मान लेंगे कि कोण जो है 1 डिग्री है। तो कह रहा है कितने अंश का कोण अपने संपूरक का दुगना होगा, तो उस कोण को हम 1 डिग्री मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कोण बराबर 1 डिग्री। अतः एक्स डिग्री का संपूरक कोण तो 1 डिग्री का संपूरक कोण बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 1/2 डिग्री। तो कह रहा है कितने अंश का कोण अपने संपूरक का दुगना होगा? तो देखिए उस कोण को 1 डिग्री मानेंगे, तो एक्स का संपूरक कोण क्या हो जाएगा? 1/2, यानी इसका आधा होगा क्योंकि दुगना कह रहा है। तो कह रहा है कितने अंश का कोण अपने संपूरक का दुगना होगा? तो देखिए 1/2 का दुगना क्या होगा? एक्स होगा। 1/2 का दुगना होगा एक्स, और एक्स का आधा होगा 1/2। तो उस कोण को एक्स मानेंगे, तो एक्स का संपूरक कोण हो जाएगा 1/2। तो एक्स का आधा क्या होगा? 1/2, और 1/2 का दुगना हो जाएगा एक्स। तो लिखेंगे यहां पे एक्स डिग्री प्लस 1/2 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो संपूरक कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। संपूरक कोण मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। तो एक्स का संपूरक है 1/2, यानी इन दोनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। तो संपूरक कोण में दो कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो इस तरह लिख लेंगे। अब इसको हल करेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे एक्स जोड़ 1/2 बराबर 180। दो लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 2x+x। देखिए दो लघुत्तम लेंगे यहाँ पे, तो 2 × x 2x हो जाएगा, प्लस x बराबर 180। 2x+x हो जाएगा 3x/2 बराबर 180। तो 3x बराबर हो जाएगा 180 × 2। 2 भागा में है तो इधर जाके गुना में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? अतः x बराबर 180 × 2/3। 3 देखिए गुना में है इधर, 3 और x, तो 3 को जब इधर करेंगे तो भागा में हो जाएगा। तो 180 × 2/3, 3 से 180 कट जाएगा, 60 बार में 60 × 180, तो x बराबर कितना आ गया? 120। देखिए 60 × 120, 60 × 2। तो क्या पूछ रहा था? कितने अंश का कोण अपने संपूरक का दुगना होगा? तो लिखेंगे यहां पे अतः कोण बराबर हो जाएगा 120 डिग्री। तो पूछ रहा था कि कितने अंश का कोण अपने संपूरक का दुगना होगा। तो देखिए 120 डिग्री जो कोण है वह अपने संपूरक का दुगना है, क्योंकि 120 का संपूरक कोण हो जाएगा 60 डिग्री, और 60 का दुगना होता है 120। ठीक है, 120 में 60 जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो 120 का संपूरक हो गया 60 डिग्री, और 60 का दुगना हो गया 120। तो 120 डिग्री का जो कोण होगा अपने संपूरक का दुगना होगा, तो इसका उत्तर आएगा 120 डिग्री।
इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।